हमारे हजरत के जिंदगी में दो बातें, अगर कोई कहे कि हजरत की जिंदगी का खुलासा बता दो तो हम कहेंगे हजरत साहब रहमतुल्लाह फरमाया हजरत की जिंदगी में दो चीजें थी जिसको बतौर खुसूसियत के हम पेश कर सकते हैं। एक इत्तेबाए सुन्नत, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हर अमल में इत्तेबा, और दूसरा अकाबिर के बारे में अकीदत मांगना, असलाह से मांगना, इत्तेबाए सुन्नत और अकाबिर से मांगना। हमारे हजरत की ये दो खसूसियात, एक अकाबिर से मोहब्बत यानी अल्लाह के पैगंबर सलाम से लेकर सहाबा कराम और तमाम के तमाम अकाबरीन से बे इंतहा मोहब्बत, मजा ले के हजरत के सामने कोई किसी के बारे में बुरा बना, और वो हम हमारे अकाबरीन से बुजुर्गान दीन से, और इत्तेबाए सुन्नत जाके चल कर बताएंगे कि हमारे हजरत नबर अल्लाह मनकदर को इत्तेबाए सुन्नत के साथ कैसा शफ़क़त था, क्या मोहब्बत थी, कैसे अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम। अखीर एक छोटा सा बात आ गया तो मैं बता दूं, हजरत का नाम आ गया है जब हजरत का आखिरी वजू था, आखिरी वजू आखिरी लम्हा और वजू करा रहे थे, सारों के दिल टूटे हुए थे, सबको पता था कि अभी हजरत ने इंतकाल कर जाना है या आखिरी सकरात का आलम है और वजू करा रहे हैं। उस मौके पर भाई अबुल हसन का तो बिल्कुल ही हालत ही दिगर दो थी ना, सारी जिंदगी जिसने हजरत की खिदमत की हो और वो हजरत दुनिया से रुखसत हो रहे हो, सारे अकाबरीन थे, वजू करा रहे हैं और वजू कराते हुए वजू में मिसवाक कराना भूल गए, मिसवाक रह गया। आखिरी लम्हे हजरत ने बावजूद इस कदर शदीद तकलीफ के भाई अबुल हसन का हाथ दबाया और सामने खड़े थे, उनसे हजरत ने फरमाया मिसवाक करो, मिसवाक आखिरी लम्हा है, आखिरी लम्हा आखिरी वजू है। सुन्नत पर अमल करने का ये जज्बा, ये शौक, ये शौक